वार्ड 30 प्रगति नगर सुभाष चौक कैंप एक में पिछले कई महीनों से पाइपलाइन क्षतिग्रस्त है, जिससे हजारों लीटर पानी रोजाना बर्बाद होता है। इसकी शिकायत ब्लॉक कांग्रेस कमेटी कैंप एक के पदाधिकारियों द्वारा जोन 3 के अधिकारियों से किए जाने के बावजूद पाइपलाइन को अब तक बदला नहीं जा सका है। कैंप एक प्रगति नगर वार्ड क्रमांक 30 नेताजी सुभाष चौक के समीप पिछले कई महीनों से पाइपलाइन के क्षतिग्रस्त हो जाने से हजारों लीटर पानी व्यर्थ बह रहा है। इसकी शिकायत स्थानीय लोगों सहित कांग्रेस नेताओं द्वारा जोन कार्यालय में अधिकारियों से की गई, बावजूद समस्या का समाधान नहीं किया जा सका। क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बनाने के नाम पर निगम अधिकारियों द्वारा कर्मचारियों को यहां पर भेजा जाता है, जो कि खाना पूर्ति कर वापस लौट जाते हैं, लेकिन निगम अधिकारियों द्वारा क्षतिग्रस्त पाइपलाइन को बदलने अब तक कोई ठोस पहल नहीं की गई है। इसकी शिकायत कांग्रेस नेताओं द्वारा निदान 1100 में भी की जा चुकी है, लेकिन स्थिति जस की तस बनी है। पाइपलाइन बदलने को लेकर निगम अधिकारी निरंतर लापरवाही बरत रहे हैं। लोगों से तो यहां तक कहा गया है कि पाइपलाइन बदलने के लिए निगम प्रशासन के पास राशि नहीं है। पाइपलाइन के ऊपर लगा चेकर टाइल्स भी निरंतर पानी बहने की वजह से उखड़ चुका है। लोगों से पानी की एक एक बूंद बचाने की अपील करता निगम प्रशासन प्रतिदिन हजारों लीटर व्यर्थ बह रहे पानी को देखकर भी अनदेखा कर रहा है। इस संबंध में कैंप ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष रामा विश्वकर्मा, महामंत्री मेरिक सिंह और सचिव मोहम्मद शहाबुद्दीन ने अपनी प्रतिक्रिया दी। कहता हूँ कि ये जो वार्ड 30 में सुभाष चौक के पास पाइप लाइन खराब हो गया है, उससे पूरा पानी बहते रहता है। इसको 2-3 बार कंप्लेन भी किया जा चुका है, लेकिन अभी तक उस पर कोई कार्यवाही नहीं हो रहा है। मैं चाहता हूं कि मतलब इसको अति शीघ्र इसमें मतलब दूसरा पाइपलाइन यानी रिप्लेसमेंट करके इस पाइपलाइन को ठीक किया जावे, ताकि मतलब जो पानी का बहाव फालतू जो बह रहा है वो रुके। इसको पूरा मतलब रिप्लेसमेंट किया जावे, ये पाइप निकाल करके दूसरा पाइप लगा दिया जावे, ताकि वो पाइप पानी जो बह रहा है फालतू इधर उधर वो उसका बहाव बंद हो। और ये जो व्यवसाय करते हैं शहाबुद्दीन जी, उसको परेशानी हो रहा है। लोग जो है यहाँ जब पानी भरा रहता है, इसलिए इनको अति शीघ्र बनवाया जाए, ताकि इनका भी समस्या दूर हो और इस क्षेत्र का भी समस्या दूर हो। वो नीचे वाले यहाँ पानी पूरा बह जाने से नीचे में जो पाइप इस पाइपलाइन से जो जल लेते हैं, उन लोगों को भी परेशानी हो रहा है, क्योंकि वहाँ पानी तरीके से प्रेशर में पहुँच नहीं रहा है। इसलिए मैं निगम से यही निवेदन करूँगा कि अति शीघ्र पाइपलाइन को बदल करके और इस ये जो समस्या है उसको दूर किया जाए। ये वार्ड 30 प्रगति नगर सुभाष चौक में ये पिछले करीब 3 महीने से यहाँ पाइपलाइन टूटा हुआ है, और ये पूरा पानी जो बह के रोड तक के पूरे चौक तक के भर जाता है। और टाइम टू टाइम हमारे साथी शहाबुद्दीन ने नगर निगम में कई सभी अधिकारियों से को इसकी शिकायत की है और सबकी जानकारी में भी है, लेकिन एक छोटी सी छोटा सा काम है जो कि अपने शासन का जल जीवन से जुड़ा हुआ मसला है, और इस पानी पाइपलाइन को सुधारने में अधिकारियों ने इतनी लापरवाही बरती है कि पिछले 3 महीने से इसको ठीक नहीं कर पा रहे। सिर्फ 2 पाइप की आवश्यकता है, अगर उसको चेंज कर देंगे तो ये समस्या का समाधान हो जाएगा। लेकिन अधिकारियों का क्या सोच है, उनकी क्या मंशा है, इसके बारे में बहुत ज़्यादा नहीं कहा जा सकता, लेकिन ये है कि उनके कहीं ना कहीं उनकी लापरवाही है, जो कि एक पाइप सिर्फ यहाँ पर नया डाल देने से जो समस्या का समाधान हो सकता है। कम से कम मेरे ख्याल से 4 या 5 बार यहाँ पे कर्मचारी आए हैं, खुदाई किए हैं और खुदाई करके पाइपलाइन को सुधारने की कोशिश की है। जितना उनको रोजी दे दिए होंगे कर्मचारियों को, अगर उतने में एक पाइप चेंज कर दिए होते तो ये समस्या का समाधान हो गया होता। और उसके बाद ये जो पेवर ब्लॉक बिछा हुआ है, शासन का पैसा लगा है इसमें, और पानी के बहाव से पूरा नीचे से मिट्टी बह गई और पेवर ब्लॉक पूरे नीचे लग गया, ये शासन का नुकसान अलग से हुआ। सर जी, ऐसा है कि प्रगति नगर नगर कैंप एक में वार्ड नंबर 30 में ये लगातार 3 महीने से मतलब ये पानी जो है व्यस्त हो रहा है, पानी बह रहा है, और इसके गंदा पानी पीने के कारण से कई मतलब हमारे भाई और बहन कई लोग बीमार हैं, जो कि पीलिया रोग से ग्रसित हैं, और जिसकी शिकायत हमने ऑनलाइन पे 30-7 को भी किया था, और इसके बाद में सर हम जाके ऑफिस में जो ना अधिकारी ठेक्का साहब को भी इसका सूचना दिया था, बलराम साहब को भी इसका सूचना दिया गया था मेरे माध्यम से, तो सर मुझे आश्वासन इस प्रकार के दिया गया था कि आपको तो पाइप हम लोग बदल नहीं पाएंगे, वो
से तीन पाइप का व्यवस्था हम लोग कर रहे हैं। अतः कर सर आज तीन महीना होने जा रहा है जो कि पानी इतना तेज़ी से मतलब व्यस्त हो रहा है, बह रहा है, बर्बाद हो रहा है। और शासन का पानी, ये पब्लिक का पीने का पानी जो कि गंदा पानी घर घर में सप्लाई हो रहा है। मैं ये चाहता ये हूँ कि साहब के द्वारा जौन अधिकारी जौन तीन के अधिकारी नगर निगम भिलाई के ने जो मुझे आश्वासन दिया था कि पाइपलाइन हम लोग चेंज करवा देंगे, दो तीन पाइप लगेगा तो हम लोग बदलवा देंगे, थोड़ा व्यवस्था करने में थोड़ा समय लगेगा, दो चार दिन। सर दो चार दिन क्या है, आज तीन महीना होने जा रहा है। मेरा सर आपसे ये निवेदन है कि इस पाइपलाइन को बदलवा दिया जाए जिससे कि पब्लिक तक पानी पहुंच सके। बहरहाल इस संबंध में कांग्रेस नेताओं ने एक बार फिर से निगम अधिकारियों से चर्चा करने की बातें कही हैं। लोगों से जुड़ी इस समस्या का समाधान कब तक हो पाता है यह देखने वाली बात होगी। ग्रैंड एशियन न्यूज़ के लिए संजय दुबे।